दोस्तों, क्या आपने कभी अदरक की खेती के बारे में सुना है और किस जगह पर अदरक की खेती की जाती है आपको पता है? और लोग अदरक की खेती करके कैसे कमा रहे हैं करोड़ों रुपए? और अदरक कैसे बनती है और हमारे घरों तक पहुंचने से पहले आखिर अदरक को किन किन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अदरक खेतों से हार्वेस्ट होकर सीधे हमारे घरों तक पहुंचती है तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि खेतों से हार्वेस्ट होने के बाद अदरक को कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसके बाद ये खाने लायक बन पाती है। आज की इस वीडियो में हम इसी प्रक्रिया के बारे में जानने वाले हैं और देखने वाले हैं कि अदरक फार्मिंग कैसे होती है और फिर फैक्ट्री में इसकी प्रक्रिया के बाद यह अदरक हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है। अदरक पौधे के ऊपर नहीं बल्कि आलू की तरह जमीन के नीचे उगाई जाती है। इसकी फार्मिंग के लिए अप्रैल और जून के महीने में इसकी बुआई की जाती है। बाजार में मिलने वाले अदरक को कुछ इस तरीके से टुकड़ों में काटकर एक मशीन द्वारा बुआई कर दी जाती है। अभी आपको हम जो फार्मिंग दिखाने वाले हैं वो मॉडर्न फार्मिंग है और भारत के कई हिस्सों में ये काम अभी भी हाथों से किए जाते हैं। अदरक की बुआई के 15 दिन बाद इसके पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं और कुछ महीनों में ये फसल बिल्कुल तैयार हो जाती है। लेकिन अभी भी इस अदरक में कुछ घास और इस घास को हटाने के लिए अदरक को हार्वेस्टिंग लायक बनाने के लिए अदरक के खेत में इस मशीन को चलाया जाता है जो कि अदरक को हार्वेस्टिंग लायक बना देती है। इस अदरक को हार्वेस्ट किया जा रहा है। ये मशीन अदरक के पौधे को उखाड़ कर उसके आगे वाले हिस्से को काट देती है और बची हुई अदरक को कंटेनर में डाल देती है। भारत में इसी काम को हाथों द्वारा किया जाता है। अदरक की हार्वेस्टिंग के बाद ये बिल्कुल तरीके से बनकर तैयार नहीं होती बल्कि इसे अभी फैक्ट्री में कई प्रोसेस से गुजरना होता है। इसको फैक्ट्री में प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले इस अदरक को अच्छी तरीके से धोया जाता है और इसकी गंदगी को बिल्कुल साफ कर दिया जाता है। जब अदरक अच्छे से साफ हो जाती है तब इसे एक कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजा जाता है। इस दौरान कर्मचारी द्वारा अदरक में मौजूद कंकड़ पत्थर से अदरक को अलग कर दिया जाता है और अब अदरक को सूखने के लिए फैला दिया जाता है। कुछ घंटे सूखने के बाद अदरक का रंग पूरी तरीके से बदल चुका है। अब शुरू होती है अगली प्रक्रिया जिसमें सूखी हुई अदरक को कन्वेयर बेल्ट से आगे भेज दिया जाता है। इस दौरान कर्मचारियों द्वारा उसमें मौजूद सभी बेकार चीजों को अलग कर दिया जाता है और ये कन्वेयर बेल्ट भी जालीदार होता है। इसकी वजह से अगर गलती से भी कोई पत्थर या कीड़ा मकोड़ा रह गया हो तो बाहर उस कन्वेयर बेल्ट से होकर निकल जाए। उसके बाद कन्वेयर बेल्ट से ही अदरक सीधे इस मशीन में गिरती है जिससे इसमें मौजूद ब्लेड से अदरक को छील दिया जाता है। इसके ऊपर का छिलका काफी हद तक साफ हो जाता है। इसके बाद इसे फिर से एक हाई प्रेशर वाटर में धोया जाता है और फिर लेजर स्कैनिंग होने के बाद कन्वेयर बेल्ट से पैकिंग क्षेत्र में भेज दिया जाता है जहां इन अदरक को पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। मार्केट से यह अदरक हमारे घरों तक पहुंचती है जिसका इस्तेमाल हम चाय बनाने में और कई तरह के कामों में किया जाता है। भारत में किसान आज भी इन सभी कामों को हाथों से ही करते हैं। भारत में हाथों द्वारा ही खेतों में अदरक की हार्वेस्टिंग होती है और फिर उसे सुखाया जाता है। उसके सूखने के बाद इसे मार्केट भेज दिया जाता है जहां पर हमारे घरों तक पहुंचती है। क्या कहेंगे अदरक की खेती के बारे में कमेंट में हमें जरूर बताएं और वीडियो को हर किसान तक जरूर पहुंचाएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।